दोस्तों जिंदगी में छोटी मोटी बीमारियां आती रहती हैं, लेकिन आज हमारा टॉपिक कान के दर्द से मुतालिक है कि अगर आपके कान में अचानक से दर्द हो जाए तो आप कैसे इस दर्द को बासानी खत्म कर सकते हैं। और इससे पहले आप अपने कान में ड्रॉप और दूसरी दवाइयां लेकर आजमा चुके हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो एक बार हमारे बताए हुए नुस्खे पर जरूर अमल करें। दोस्तों आज मैं आपको कान के दर्द का ऐसा टोटका बताऊंगा जो मेरे खुद का आजमाया हुआ है और ये 100% कारआमद है। अगर आपके कान में भी किसी किस्म की तकलीफ है तो आप एक बार लाजमी इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप भी बासानी चंद ही मिनट में अपने कान के दर्द को खत्म कर सकें। अगर आपके भी कान में शदीद दर्द है तो आप हमारे बताए हुए नुस्खे पर अमल करके इसे आसानी से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों इस नुस्खे के लिए आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत होगी और वो भी आपको बासानी दस्तियाब हो जाएगी। इसके लिए आप खाली जैतून का तेल लेकर इसे नीम गर्म कर लें और इसके बाद 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के कान में डालकर लेट जाएं। तकरीबन आप 15 से 20 मिनट तक जैतून के तेल को अपने कान में पड़ा रहने दें। ऐसा करने से कुछ ही वक्त में आपके कान का दर्द रफा हो जाएगा। अगर आपके पास जैतून का तेल मौजूद नहीं है तो आप एक लहसुन का टुकड़ा लेकर इसको कूट लें और इसका रस किसी रुई में भिगो लें और आप इस रुई के टुकड़े को आप इस कान में रख दें जहां आपके कान में दर्द है। ऐसा करने से भी जल्द ही आपके कान का दर्द खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये दोनों नुस्खे बहुत कारआमद है और इनसे आपके कान का दर्द चंद ही मिनट में खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली ऐसी मुफीद वीडियो आपको रोजाना मिलती रहे।